एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया। महिलाओं की सुरक्षा, उनको रोजगार, की बेटियों को पढ़ाने, खेत में हल बड़ा काट रहा था साधु, पत्थर पर छेनी हथौड़ा चलता है तो मूर्ति बनती है। तेजस्वी यादव बोले कि अगर आप बीमा भारती को नहीं जिताते हैं तो एनडीए कैंडिडेट को जिता दीजिए। पूर्णिया के मैदान में तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया और इस बयान के बाद अब सियासत तेज है। पप्पू यादव का भी जवाब सामने आ गया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव का बयान आया है, तेजस्वी यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कह दिया कि पूर्णिया में या तो बीमा भारती को जिताइए, अगर नहीं जिताते हैं तो फिर एनडीए उम्मीदवार को वोट दे दीजिए। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। यानी सीधा सीधा मतलब निकाला गया कि पप्पू यादव को किसी कीमत पर पूर्णिया में जीतना नहीं चाहिए। तो पप्पू यादव ने भी पलटवार कर दिया है तेजस्वी यादव पर। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, उनका बयान आया है, सुन लीजिए आप। पत्थर पर छेनी हथौड़ा चलता है तो मूर्ति बनती है, टिकोला पर जितना पत्थर बच्चे फेंकते हैं ना समझ लो, तो तभी तो मिठाई फल देते हैं। बिच्छू बड़ा काट रहा था साधु को, किसी ने पूछा कि भाई इसको बिच्छू काट रहा, इसको मसल दीजिए। बोला उनका जो काम है काटने का, बिच्छू का, वो काट रहे हैं, संत का काम है उसको माफ कर। खेत में हल नहीं चलेगा, समार नहीं होगा तो फसल देगी, फिर दुनिया खाएगा। तो हम तो पैदा हुए हैं इंसान के लिए ना, इंसान की सेवा करने, उसके आंसू पोछने, रोजगार के लिए। हम लूटने नहीं पैदा हुए हैं, हमको माल नहीं चाहिए किसी से, पर हम किसी व्यक्तिगत जीवन को नहीं जानते। हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत, शिवान साहबुद्दीन साहब के परिवार को छोड़, हम सभी जगह इंडिया गठबंधन में जाएंगे। हम अमेठी भी जाएंगे, रायबरेली भी जाएंगे। जो लोग इतने जल्दी अनपेशेंस हो जाते हैं, तो लालू यादव जी से सीखे ना पेशेंस, सीखना चाहिए। कितना पेशेंस था लालू जी करके, अपने पिता से भी इतना सीखते हैं। क्या लगता है सर कि वो हार मान लिए हैं क्या सर? पेशेंस नहीं है, वो योद्धा है, राजा है, हम लोग रंग हैं। राजा के बारे में बड़ी मुंह छोटी बात हमें नहीं करनी, वो लोग बड़े राजा के हैं, वो लोग मुखिर कानून है उनका। उन लोगों को लगता है पब्लिक दुनिया मूर्ख है, हम जो बोल देंगे वही सही। कल तो सरेआम उन्होंने कह दिया कि बीमा भारती को अगर नहीं करते तो एनडीए तो कांग्रेस को विचार कर दीजिए, इससे तो कांग्रेस के रास्ते पर आज पड़े। और अगले विधानसभा लोकसभा में क्या करें, वो नहीं समझे। जनता जवाब तो देगी ना, कोशिश होनी चाहिए। मैं तो कई बार उनको कहने का प्रयास किया कि आप जो हल्की बात करते हैं, राहुल गांधी जी हर तरह की यातना पीड़ा के बाद जो ममता दीदी की पीड़ा, मैं पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी अभी राजा की पत्नी, इसके बावजूद भी सबका स्वागत करते हैं ना, और सबको ले चलने में अभी भी भरोसा रहता है। क्योंकि उनका जो लक्ष्य है संविधान का है, लोकतंत्र का है, देश बचाने का है, किसानों को बचाने का, युवाओं को बचाने का, महिलाओं की सुरक्षा, उनको रोजगार, की बेटियों को पढ़ाने का उनका लक्ष्य है। नफरत ना हो, विचारधारा हर जाति धर्म वर्गों की विचारधारा का सम्मान।
तो सुना आपने कि पप्पू यादव क्या कह रहे हैं? पप्पू यादव कह रहे हैं, तेजस्वी यादव की तुलना कर रहे हैं कि बिच्छू से अगर कहें तो उनकी तुलना कर दी। उन्होंने कहावत के जरिए कहा कि साधु चलते रहता है, बिच्छू डंक मारता है। बच्चे टिकोला तोड़ने के लिए पत्थर फेंकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। पत्थर फेंकने के बावजूद आम जो है वो अपनी मिठास नहीं छोड़ता है, अपना गुण नहीं छोड़ता है। तो पप्पू यादव ने इशारों में लालू परिवार के लाल को, लालू के लाल तेजस्वी यादव को नसीहत दे डाली। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि लालू यादव जो एक गंभीर नेता हैं, लालू यादव जो राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, उनके बेटे तेजस्वी यादव शायद सियासत में घबरा गए हैं। ऐसी बात भी पप्पू यादव कह रहे हैं। तो पप्पू यादव ने इस बयान पर पलटवार कर दिया है तेजस्वी यादव पर। इसके अलावा बीजेपी ने और जेडीयू ने भी इस बयान पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के जनक राम जो हैं और उसके अलावा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए आप। देखिए तो वो लोग क्या करेगा, वो तो पार्टिये हैं जो लोग जो है आरजेडी। क्या हालात थी 2005 के पहले, हर दिन लूट हत्या बलात्कार हो रही थी, तो वो लोग से क्या उम्मीद रख सकते हैं? वो तो माफी भी नहीं मांगते, खुले माफी मांगते हैं, तो वो लोग से क्या उम्मीद रखा जा सकता है? वही चाहते हैं। तेजस्वी यादव लगातार दुनिया में ये कह रहे हैं कि या तो एनडीए के पक्ष में वोट करो या तो फिर महागठबंधन के पक्ष में वोट करो। खुद को उन्होंने हार मान लिया है। हार मानने का वजह है कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बिहार के जनता को कह दिया है कि एनडीए को नहीं जिताना है, एनडीए को जिताना है। एक तरफ गरीब को देने वाली पार्टी है, एक तरफ गरीब को गुमराह करके उसको हक लूटने वाली पार्टी है। बिहार की जनता इस झांसे में पड़ने वाली नहीं है। देश के सच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनादेश जो 24 का आ रहा है 40 का 40 जा रहा है। बीजेपी आरजेडी में कोई क्या हुआ क्या जिसमें अजय निषाद को मिला था? देखिए ये आप सब जानते हैं, इस पचड़े में बिहार की जनता पढ़ने वाली नहीं है। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संविधान किसी को इजाजत नहीं देता है कि लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आकर के गरीबों को दिए हुए अधिकार को आप लूटें। 15 साल के कुशासन में गरीबों ने ये देखा है। धन्यवाद मनाइए बिहार और देश के लोगों ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ताकत दिया, शक्ति दिया, और नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को चिंता किया। एक एक योजनाओं लगभग 175 योजना चला करके गरीबों के घर में खुशहाली पहुंचाने का काम किया। धन्यवाद। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ है कह रहे हैं। उनका कहना है कि हार गए हैं, तेजस्वी यादव ने हार मान ली है, हथियार डाल दिया है। उन्हें समझ में आ गया है कि पूर्णिया में वो नहीं जीत रहे हैं और पूर्णिया के बहाने पूरे बिहार में तेजस्वी यादव को बीजेपी के और जेडीयू के नेता घेर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव भी पूर्णिया में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जी हाँ, पूर्णिया में लगातार वो कैंप कर रहे हैं और बीमा भारती के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के उस बयान ने बिहार की सियासत में भूचाल मचा दिया है और कहीं ना कहीं बीजेपी को, जेडीयू को यानी तेजस्वी के विपक्षियों को बड़ा मुद्दा मिल गया है। और उन्होंने साफ कह दिया है कि तेजस्वी लड़ाई से पहले ही मैदान हार गए हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।